टेक्सटाइल मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब एक अंधश्रद्धा है। जब भी मार्केट गिर जाता है हमारे सारे स्टॉक माइनस में चले जाते हैं और जो भी प्रॉफिट हमने कमाया होता है वो सारा की सारा जीरो हो जाता है। आपके साथ भी यही होता है ना। लेकिन दोस्तों अगर आपको 15 दिन से एक महीने के भीतर में 12-15% का प्रॉफिट अगर मिलेगा तो कैसा होगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको करोड़पतियों का 100% प्रॉफिट कमाने का फॉर्मूला शेयर करने वाला हूं। एंड आई एम श्योर कि बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आप इसमें इतना माहिर हो जाएंगे कि इसके बाद में आपका स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉस नहीं होगा। ये मेरा जांचा परखा और टेस्टेड फॉर्मूला है और इससे मैं प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाता हूं। लेकिन दोस्तों इसको अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो आपको अंत तक देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वर्सेटाइल गुरुजी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। चलिए अभी 100% प्रॉफिट कमाने की रेसिपी बनाते हैं। इसके लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी। जाहिर सी बात है, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना है तो स्टॉक तो चाहिए, और वो भी कैसा होना चाहिए? हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाला बेस्ट क्वालिटी का फंडामेंटल स्टॉक होना चाहिए। स्टॉक तो हो गया, अभी और क्या चाहिए? और अभी हमें इस रेसिपी को अच्छे से पकने के लिए चाहिए सटीक बाइंग स्ट्रेटेजी। अभी सटीक बाइंग स्ट्रेटेजी का मतलब यह होता है द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम। चलिए अभी देखते हैं कि हमको ये रेसिपी कैसे पकानी है ताकि 15 दिन से एक महीने के भीतर भीतर हमको 12-15% का प्रॉफिट मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बोल दूं कि इस रेसिपी में जाने वाली जो सबसे पहली चीज है, यानी कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाला फंडामेंटल बेस्ट क्वालिटी का स्टॉक, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। क्योंकि मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी आपको कहा था कि मैंने एक सॉफ्टवेयर टूल डेवलप किया है, और दोस्तों ये मेरा सॉफ्टवेयर टूल इंडिया के टॉप 500 स्टॉक में से सबसे बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स को सेग्रीगेट करने में माहिर है। और मैं आपके साथ में हर हफ्ते वही स्टॉक शेयर करूंगा जो मेरे एनालिसिस टूल के मुताबिक टॉप पर आया है। इससे दो चीजें इंश्योर होगी कि जो स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो फंडामेंटली बेस्ट क्वालिटी का स्टॉक होगा, और दूसरी ये चीज इंश्योर होगी कि मैं जब भी आपके साथ कोई स्टॉक रिकमेंड करूंगा इसका मतलब ये होता है कि वो स्टॉक ने अभी बाइंग का ट्रिगर दिया है, यानी कि वो स्टॉक अभी दौड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों यहाँ पर मैं किसी भी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने देखा है कि सिर्फ अपना यूट्यूब का वीडियो चलाने के लिए लोग आपको कुछ भी स्टॉक रिकमेंड करते हैं। इन्फोसिस बोलते हैं, विप्रो बोलते हैं। मुझे पता है इन्फोसिस और विप्रो टॉप क्वालिटी के स्टॉक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अभी चलने लगेंगे। हर एक स्टॉक का अपना वक्त होता है। अगर निफ्टी 50 के कोई भी स्टॉक चलने लगते तो हर कोई निफ्टी 50 बाई करता और प्रॉफिट कमाता। अभी दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है करेक्ट बाइंग स्ट्रेटेजी। इसका मतलब ये होता है कि सही क्वांटिटी सही टाइम पे बाई करना। तो नाउ कम्स द सीक्रेट फॉर्मूला। तो संडे की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ में जो भी स्टॉक रिकमेंड करूंगा वो स्टॉक आपको मंडे मॉर्निंग को एक जितनी भी अमाउंट आपको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी 30% अमाउंट इन्वेस्ट करके परचेस करना है। अभी स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट वोलाटाइल है, तो वो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है। और हमने जो स्टॉक चुना वो दौड़ने वाला घोड़ा है। इसका मतलब ये होगा कि आपने परचेस करने के बाद वो 15-20 दिन के अंदर ही अंदर आपको 12-15% का प्रॉफिट दे सकता है। अगर आपने परचेस करने के बाद स्टॉक ऊपर गया और 12-15% का आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको वो प्रॉफिट बुक करना है। अभी दूसरी केस दोस्तों, अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो इस वोलेटाइल मार्केट में हमको वह सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना है। मान के चलो अगर आपने जो स्टॉक बाय किया वो स्टॉक तुरंत बढ़ा नहीं और थोड़ी समय के लिए नीचे आ गया, अगर आपकी इनिशियल बाइंग से 10% के नीचे की प्राइस में अगर आपको वो मिल रहा है तो बाकी बचा हुआ 70% अमाउंट जो आपके पास है उसमें से 30% अमाउंट आप 10% नीचे के भाव पे इन्वेस्ट कर दीजिए। मान के चलो वहां से मार्केट और भी नीचे आ जाएगा और भी 10% वो स्टॉक नीचे आया तो जो बाकी बचा हुआ 40% अमाउंट है वो आप 10% नीचे के भाव पे इन्वेस्ट कीजिए। आई एम श्योर कि ये वर्बली आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको एक्सेल के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो अभी आपके पास 3 लॉट होल्डिंग में होंगे। यहाँ पे हम लिफो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे लास्ट लॉट आपने जो खरीदा है, जो 40% अमाउंट इन्वेस्ट करके आपने खरीदा था, वो खरीद भाव से जब भी आपको 12-15% का प्रॉफिट दिखे वो टाइम पे, वो लास्ट के लॉट में जितनी क्वांटिटी आपने खरीदी थी उतनी ही क्वांटिटी आपको बेचनी है। दोस्तों आप इसका मतलब समझ रहे हो ना? तो जो लास्ट लॉट आपने लिया था जब आप उसको खरीद भाव से 15% के ऊपर के भाव में बेचोगे तो उतना ही लॉट को आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। इसका मतलब आपने पहला प्रॉफिट कमा लिया।
यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो जो सेकंड लॉट आपने खरीदा था वहां से अगर आपको 12-15% का प्रॉफिट मिल रहा हो तो आपको वो सेकंड लॉट बेचना है। अभी भी सबसे पहले मंडे को जो लॉट आपने लिया था वो तो आपका परचेस में एज इट इज रहेगा। मान के चलो कि आपका सेकंड लॉट बेचा ही नहीं गया और वापस मार्केट नीचे आएगा तो वापस से वो नीचे के भाव में आपको उतनी ही क्वांटिटी खरीदनी है और जैसे ही वहां से 12-15% का प्रॉफिट मिलता है आपको बेचना है। तो ये जो स्टॉक जो आपने सबसे पहले खरीदा था जब तक कि वो उसके वापस लेवल तक जाएगा तो आप 3-4 बार आप ये खरीद बेच के प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। और याद रखना सबसे पहले खरीदा हुआ लॉट आपको तभी बेचना है जब उसमें आपको 12-15% का प्रॉफिट मिले। दोस्तों यहाँ पे एक कंसेप्ट मैंने यूज की है, मार्केट हमेशा जिग-जैग चलता है। जब भी वो एक प्राइस से दूसरी प्राइस अचीव करता है तो उसके बीच में वो बहुत सारे बार जिग-जैग होता है। हमें यही जिग-जैग मोमेंट में 12-15% का प्रॉफिट करना है। सो ये ए लेवल से बी लेवल तक जाने तक आपने 10 बार उसमें प्रॉफिट अचीव किया होगा दोस्तों। दिस इज रियली प्रूवन फॉर्मूला और आप ये खरीद बेचने का सिलसिला जारी रख सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि दोनों भी चीजें इंश्योर होगी, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आपने जो लॉट पहले खरीदे थे वो बेचे जाएंगे और अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो आपकी और बाइंग होगी और यहाँ से लेने बेचने का सिलसिला आपका चालू हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना ये जब भी आप सीख जाओगे तो आपको लगेगा कि मार्केट और गिरना चाहिए, मार्केट गिरने के बाद आपको मजा आएगा। और जब भी मार्केट गिरने के बाद आपको मजा आएगा तो समझ लेना कि आप मार्केट सीख गए हो। लेकिन दोस्तों ये सब करने के लिए हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी स्टॉक हम सिलेक्ट करेंगे वो बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको हर संडे जो स्टॉक बताऊंगा वो बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का होगा, उसमें तो कोई शंका नहीं। चलिए अभी जो मैंने आपको वर्बली समझाया वो अभी हम एक्सेल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैंने स्टॉक का नाम लिया है एबीसी और एक एक्सेल फाइल है। अभी यहाँ पे मैं जो भी सेल में टिक करूंगा ऊपर आप ऊपर के बॉक्स में फॉर्मूले यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें मैंने क्या फॉर्मूले लगाए हुए हैं। सो आप ये वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। सो ऐसा एक एक्सेल का टेबल आपको बनाना पड़ेगा। सो मान के चलो कि आपने एबीसी स्टॉक खरीदा, 30 क्वांटिटी खरीदी और कॉस्ट पर यूनिट जो था आपका 333 रुपया था। सो 333 रुपये इंटू 30 क्वांटिटी मतलब आपको लगभग 9,990 रुपये का ये बाइंग वैल्यू आपका आया। अभी उसके बाद आपने स्टॉक लेने के बाद मार्केट गिरना चालू हुआ। ओके सो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जब मैंने स्टॉक खरीदा तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है कि मेरी खरीद भाव से अगर स्टॉक 8% नीचे गिरता है तो मैं नेक्स्ट बाइंग करूंगा। अभी 8% नीचे मतलब यहाँ पे नेक्स्ट बाय लेवल जो मैंने की है वो है 306 रुपये आ रही है क्योंकि मैंने इसको 0.92 से मल्टीप्लाई किया बराबर। और अगर वहां से मार्केट नीचे नहीं आता और ये स्टॉक ऊपर जाता तो मैंने 12% प्लस पे इसको सेलिंग पे लगा के रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये स्टॉक मैंने 333 रुपीज पे बाई करने के बाद अगर स्टॉक ऊपर जाता तो जब ये 373 होता तो मैं उसको बेच के 12% का प्रॉफिट बुक करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टॉक नीचे आया है और जैसे ये 306 के लेवल पे आ जाएगा ये मुझे ट्रिगर देगा कि मुझे बाइंग करनी है। तो फिर मैंने क्या किया, वही एबीसी कंपनी में 30 क्वांटिटी 306 के लेवल पे 28 जून को मैंने खरीदी। दोस्तों हम यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं कि आपने स्टॉक बाई करने के बाद नीचे आया तो आपकी कैसी बाइंग की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कैसी सेलिंग की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ओके तो आपने स्टॉक 333 पे बाई करने के बाद वो नीचे आया 306 के लेवल पे, आपने वापिस से 30 क्वांटिटी खरीदी जिसमें आपको 9,180 रुपये लगे। ओके और यहाँ पे मैंने तुरंत फॉर्मूला डाल दिया कि जो भाव से आपने खरीदा तो अगर वहां से 8% स्टॉक नीचे आ जाता तो मैंने उसको 0.92 से मल्टीप्लाई किया जो कि 282 आ रहा है। और अगर मैंने ये 306 को खरीदा अगर ये ऊपर जाता तो मुझे बेचना है 343 को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये यहां से भी नीचे आ गया तो मेरी जो 282 की जो नेक्स्ट बाइंग लेवल थी तो मैंने 282 पे वापिस से 30 क्वांटिटी इसकी खरीदी 13 जुलाई को, उसके लिए मुझे 8,490 रुपये लगे। यहाँ पे तुरंत जैसे ही मैं ये एंट्री कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा कि अगर ये यहाँ से और भी नीचे जाता है तो 252 के लेवल पे मुझे खरीदना है और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो यही लॉट मुझे 316 के लेवल पे बेचना है, ऊपर के लॉट एज इट इज रहेंगे। ये जब ये 30 क्वांटिटी मुझे तभी बेचनी है जब ये 343 जाएगा और ये पहले
जो बाय की हुई 30 क्वांटिटी मुझे तभी बेचनी है जब ये 373 जाएगा। सो मुझे मैंने जो भाव से इसको खरीदा है वो भाव से 12% ऊपर जाने के बाद ही मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। सो अभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में और मार्केट नीचे आ गया, सो मैंने 252 की लेवल पे और भी 30 क्वांटिटी इसकी खरीद ली। ये आ गई मुझे लगभग 7,560 रुपया में, लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ। अभी मैंने क्या किया, 30 क्वांटिटी खरीदी 13 जुलाई को, उसके बाद में स्टॉक यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ। कोई तो एक लेवल होगा ना जहां से सपोर्ट लेवल से वो वापिस से बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ तो ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ना, ये सीएमपी है, करंट मार्केट प्राइस। सो जो भी करंट मार्केट प्राइस होगा आपको यहाँ पे डालना होगा। सो करंट मार्केट प्राइस से ये जो फॉर्मूला है कि परसेंट प्रॉफिट का ड्राइव होता है, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मेरी जो नेक्स्ट सेल लेवल था 282 रुपीस, तो 282 को मुझे सेल करना था बिकॉज मैंने 252 में खरीदा था, 282 पे सेल करना था। अभी करंट मार्केट प्राइस 283 चल रहा है, तो मेरा इसका मतलब ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर लॉट मैंने लास्ट में खरीदा था, ये लॉट अभी सेल होने का ट्रिगर मुझे मिला है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ये लॉट 20 तारीख का जो लॉट है यही मैं लॉट बेच के 930 रुपए का मुझे इसमें प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद में ये सेल मैं डिलीट कर दूंगा, ओके। और फिर मेरे पास जो भी बचेगा, ये सेल डिलीट होने के बाद अभी मेरे पास ये 3 सेल बचे हैं। इसका मतलब अभी मेरी जो लास्ट बाइंग जो हो चुकी है 282 लेवल पे, करंट भाव 283 है। सो जब भी ये नेक्स्ट सेल लेवल 316 जाएगा तो मेरा ये लॉट बेचा जाएगा, फिर भी मेरा वो प्रॉफिट में ही बेचा जाएगा, फिर भी ये दो लॉट मेरे होल्डिंग में रहेंगे। जब ये 373 का लेवल क्रॉस करेगा नहीं तब तक ये बेचे नहीं जाएंगे। जैसे 343 आएगा ये लॉट बेचा जाएगा, जैसे 373 आएगा ये लॉट बेचा जाएगा। मान के चलो अगर 343 से वापिस वो नीचे आना चालू हुआ तो वापिस ये 252 लेवल पे आ जाता है तो मुझे बाइंग करनी है। सो जब तक ये स्टॉक 373 जाएगा मेरे मुताबिक आपको 3 या 4 बार ये प्रॉफिट दे चुका होगा। सो ये जो बाइंग स्ट्रेटेजी है, ये बाइंग स्ट्रेटेजी दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए और ये बाइंग स्ट्रेटेजी आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये डेफिनेटली 100% प्रॉफिट कमाने वाली बाइंग स्ट्रेटेजी है जिसको मैं सालों से यूज कर रहा हूं और बहुत अच्छा तगड़ा प्रॉफिट कमा रहा हूं। सो आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत तो आइडिया आ चुका होगा। चलिए अभी वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद। ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। यहाँ पे मैं कहूंगा दर्शक अपने विवेक से काम ले।